हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अभी अपलोड करी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मार्केट कैन क्रॉस, मार्केट में क्रैश, ओके, एंड ये निफ्टी कैन गो डाउन। अगर बात करें कहाँ तक, 14,000 तक ये मार्केट जा सकती है। रीज़न क्या है, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किन स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए, वो उससे रिलेटेड मैंने बात करी है, तो इस वीडियो को जाके आप देख लीजिएगा। एज वेल एज बात करूँ तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए लोग हैं तो सब्सक्राइब के साथ तो करिए ही करिए, दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल के साथ जोड़िए ताकि हमारी एक फैमिली क्रिएट हो सके। और हमारा जो मिशन है $1 million फॉर ईच ऑफ अस, मतलब हर एक के अकाउंट में $1 million एटलीस्ट होने चाहिए, उसकी तरफ हम आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। और आज बात करें यहाँ पर, ये अगर हम यहाँ पर देखते हैं बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, यहाँ पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे। अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है, यहाँ क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन होगा। और यहाँ पर आपको पता ही है कोविड की सिचुएशन चल रही है एंड लोग परेशान हैं और बहुत लोगों को ज़रूरत भी है आपके डोनेशन की, एज वेल एज बात की जाए आपकी हेल्प की। तो आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में जिसको भी हेल्प है, प्लीज़ वहाँ पर आप हेल्प करिए। एज वेल एज बात की जाए अगर आप पैसा डोनेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पीएम केयर फंड, इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाके यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में हम जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने जा रहे हैं, देखिए उसका नाम है DFM Foods। DFM Foods करता क्या है, क्या बिजनेस है, उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक एक दो दो बार वीडियो बनाई है। और कब कब बनाई है, तो अगर हम बात करें जब ये शेयर 269 रुपीज़ पे चल रहा था, आज से 8 महीने पहले, ओके, देखिए August 20 को मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो ये DFM Foods से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, यहाँ पर पूरी स्टडी बताई थी, और उसके बाद शेयर अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दिया। बट आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, तो यह शेयर क्रैश होता हुआ हमें साफ दिखाई दे रहा है। और लगभग अगर इसके अपसाइड से बात करें, तो 20% की गिरावट हमें साफ नजर आ रही है। तो आपको बताना चाहता हूं, ये शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न दोबारा दे सकता है, ओके। और बाय एंड डिप्स करने का अगर कभी भी मौका मिले तो बिल्कुल मत चूकिएगा। देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न कुछ खास नहीं है, पहले कंपनी लॉस में चल रही थी। यहाँ पर अगर बात करूँ, यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट चेंज हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आपने सुना ही है, उनके पोते ने यहाँ पर एक कंपनी को एक्वायर किया, एज वेल एज बात करें उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया। तो ये शेयर अगर बात करें पेंडेमिक में नीचे आ गया था, फिर उसके बाद एक साथ जिस रफ्तार से ये शेयर भागा था, 181 से शेयर लगभग 135% के आपको रिटर्न देता हुआ नजर आया। बट अगर अभी बात करते हैं, तो लगभग 20% की गिरावट अच्छी खासी यहाँ पर हो चुकी है। तो बाय ऑन डिप्स करने का मुझे लगता है कि ये ऐसा ही मौका है, ओके, क्या क्यों, तो उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो अगर यहाँ देख सकते हैं 175 का 3rd of August 2020 को ये शेयर था, उसके बाद 444 रुपीज़ तक यहाँ पर 31 दिसंबर को गया था, उसके बाद सीधे यहाँ पर गिरावट अच्छी खासी है। यहाँ पर देखें तो 52% की डिलीवरी, लगभग 19,623 शेयर डिलीवरी बेसिस पे यहाँ पर उठाते हुए हमें मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, और रिजल्ट आएगा तो वैसी बात है यहाँ पर ये शेयर भागता हुआ हमें नजर आएगा। तो नेक्स्ट मंथ, मतलब इस महीने में ही कभी भी रिजल्ट भी अनाउंस हो सकता है। यहाँ पर अगर देखते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो 73% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, पब्लिक के पास 26.29 की है। इसमें भी आपको बताऊंगा किसके पास कितनी कितनी है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए सब डिवीजन भी यहाँ पर शेयर का होता हुआ हमें नजर आया है। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर, ओके, 2 रुपये में, मतलब 2 रुपये की फेस वैल्यू में चेंज होता हुआ नजर आया, मतलब 2018 की बात कर रहा हूँ। और बाकी डिविडेंड तो कंपनी देती आई रही है, 2020 में डिविडेंड नहीं दिया, बट उससे पहले दिया। कोई भी शेयर प्लस नहीं है, तो कंपनी करती क्या है आप देख सकते हैं। आपने मार्केट में गए हैं तो आपको बच्चों के को खाते हुए देखा होगा, आपने ग्रोसरी की शॉप में ये पैकेट्स देखे होंगे, क्रैक्स, कॉर्न रिंग्स, ओके, अलग अलग तरीके के ये मतलब रिंग्स और यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, इनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो क्रैक्स रिंग्स, क्रैक्स कल्स, नट खट, जो कि बहुत फेवरेट है और मैंने कल की डेट में ही खाया था, ओके, तो अच्छा, मुझे तो बचपन से ही पसंद है। तो आप ये देख सकते हैं, बट काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, तो और काफ़ी यहाँ पर फेमस भी है, लोग बच्चे लोग पसंद भी करते हैं, ओके। पास्ता क्रंच अलग अलग ही अब चीज़ें निकाल भी रहे हैं मार्केट में, तो इस चीज़ को आप देखते हुए, ओके, और ये क्रैक्स वगैरह बच्चे बहुत खाते हैं, तो इसी चीज़ से यहाँ पर इनको बिजनेस होता हुआ दिखाई देता है। तो अभी अगर बात करें, तो देखिए ये कंपनी केवल अभी नॉर्थ रीजन में ही मोस्टली आपको दिखाई देगी। अगर बात करें नॉर्थ रीजन में ही, यहाँ पर लगभग 75-80% का यहाँ पर रेवेन्यू होता हुआ नजर आता है, बाकी रेवेन्यू इधर उधर से। बट अगर बात करें, ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, यहाँ पर अगर आप नीचे जाएंगे, ओके, कंपनी इज़ प्लानिंग टू एंटर इनटू Tier 3 नॉर्दर्न रीजन, मतलब अलग अलग कंट्री रीजन में या जहाँ पर जाना, और एक बार ये
कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया होती हुई नज़र आई, तो ऑब्वियस सी बात है ये कंपनी बहुत तेज़ भागती हुई नज़र आएगी और बहुत अच्छे रिटर्न भी आपको देखती हुई नज़र आएगी। तो अपने आप को एक्सपेंड कर रही है धीरे धीरे, जैसे इनका मैनेजमेंट चेंज हुआ है तो धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, ओके यहाँ पर आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हो, मार्केट कैपिटल 1705 करोड़ रुपये का मार्केट कैपिटल, स्मॉल कैप कंपनी है। तो स्मॉल कंपनी में हमेशा बताता हूँ तेज़ी से स्टॉक भागता भी है गिरता भी है, जो कि आप इसके चार्ट पैटर्न से देख ही चुके हैं। और ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाना होता स्मॉल कैप कंपनी में, हमेशा थोड़ा ही पैसा अपना लगाना होता है, अपनी टोटल जो आपके पास पैसे है उसका केवल 5 से 10% ही। अगर बात करें डेट तो कंपनी का 63% तक का डेट है। अगर बात करें प्लेजिंग तो प्लेजिंग परसेंटेज कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। रिटर्न की बात करें 10 साल में 28% के रिटर्न देते हुए नज़र आया, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर देते हैं कंपनी के आर ओ, पिछले 3 साल से आर ओ ई की बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी, तो लगभग 23% का यहाँ पर आर ओ ई नज़र आ रहा है। ओके कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें 10 साल में 16.88% का ग्रोथ नज़र आ रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं यहाँ पर देखिए सबसे मेन। ओके तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो सितंबर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता हुआ नज़र आता है, थोड़ी सी गिरावट दिसंबर में जरूर आई है, बट इस बार जब रिजल्ट आएंगे तो एक बार देखेंगे कि क्या हमारा ये नीचे गिरता हुआ नज़र आता है या बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो अभी भी लगभग इक्वली है, अगर बात करें इस पीरियड को छोड़ते तो सबसे ज़्यादा ओके यहाँ पर रेवेन्यू होता हुआ नज़र आया है। इसी हिसाब से प्रॉफिट भी देखते हैं तो देखिए यहाँ पर लगभग सेम ही प्रॉफिट, लगभग 9.5 करोड़ रुपये का प्रॉफिट भी कंपनी जनरेट करती हुई नज़र आई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे जहाँ पर 77 करोड़ रुपए की आज से 10 साल पहले सेल्स थी, आज की डेट में 501 करोड़ रुपए की सेल्स में पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट जहाँ 2 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था इस बार, ओके अगर बात करें 2019 को छोड़ के, अगर पिछले 12 महीने की बात करें तो 27 करोड़ के प्रॉफिट में यह तब्दील हो चुका है। तो कंपनी कंसिस्टेंसी दिखा रही है अपने प्रॉफिट में, रेवेन्यू में, और ऑब्वियसली बात है धीरे धीरे ये कंपनी जैसे बच्चों तो ऑब्वियसली बात है ये प्रोडक्ट यूज करते ही है, बड़े बड़े भी बड़ी चेस्विस के साथ यहाँ पर खाते हुए नजर आते हैं। तो आगे चल के ये कंपनी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट और दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट चेंज होता हुआ भी हमें नज़र आया है 2020 में। तो ऑब्वियसली बात है जैसे मैनेजमेंट चेंज हुआ तो यहाँ पर थोड़ी बहुत ग्रोथ और ज़्यादा नज़र आ रही है। इसके अलावा रिजर्व्स की बात करते हैं तो 4 करोड़ रुपए के रिजर्व्स आज के डेट में 156 करोड़ के रिजर्व्स में चेंज हो चुके हैं। ओके आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से रिजर्व्स बढ़े हैं। बोरिंग की बात करें ऑब्वियसली बात है मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, इसलिए एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर कंपनी यहाँ पर बोरिंग लेती हुई हमें नज़र आ रही है। अगर बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास नहीं है अभी इस बार की बात करें तो। कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो देखिए कंपनी के पास कैश बढ़ा है एक साथ ही, काफ़ी अच्छा कैश, अगर मार्च 34 करोड़ से सीधे 119 करोड़ रुपए का कैश बढ़ा है अगर, और अच्छी खासी यहाँ पर एसेट भी बढ़ती हुई हमें कंपनी की नज़र आ रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रमोटर की शेयर होल्डिंग, जो कि मैं आपको बता रहा था कि देखेंगे कि अब किसके पास कितना है। तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 73.71% की होल्डिंग है। FII जो कि क्या कहते हैं यहाँ से कंप्लीटली एग्जिट हो गए थे जून सेप्टेम्बर के और दिसंबर में, मार्च में दोबारा एंट्री करी है, बेशक से थोड़ी सी एंट्री करी है 0.04% की, बट स्टिल उन्होंने एंट्री यहाँ पर करी है। DIS यहाँ पर देख लीजिए, DIS ने भी यहाँ पर हिस्सेदारी यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में बढ़ाती जो कि सेम रखी हुई है। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कोई नहीं है, बट पब्लिक की हिस्सेदारी की बात करें पब्लिक में भी देखिए ये जो बड़े बड़े HNIs है इन्होंने अच्छे यहाँ पर ले रखे हैं। यहाँ पर मनमोहन सिंह ने 1.88, आशीष कचोलिया ने यहाँ पर ले रखी है, एज वेल एज इन अय्यर साहब ने ले रखी है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्ट फंड्स ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर लेते हुए नजर आया। तो आप बात बताना चाहता हूँ कि इनके पास भी अगर बात करें सिंपली तो लगभग लगभग 18 या 19% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, बाकी सारी हिस्सेदारी अच्छे अच्छे लोगों के पास है, और 73% की हिस्सेदारी तो प्रमोटर के पास है जो कि बेचना ही नहीं चाहते। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना दिसंबर 2019 में 38% के शेयर थे जो कि मार्च में एक साथ ही प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? इसलिए बढ़ाई क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें अपनी कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा किसे पता होगी, जो उनके ऑनर है, जो उनके प्रमोटर्स है, तो इसलिए यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ी है। ओके थोड़ी बहुत यहाँ पर इस क्वार्टर सेप्टेम्बर में थोड़ी बहुत कम होती हुई नज़र आई पर जून में, वो भी परसेंट पॉइंट में, बट अगर बात करूं यहां पर अभी भी 73.71% की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी के बिलीव करिए, ओके इसके फाइनेंशियल्स और इसकी खुद की स्टडी और बैलेंस शीट को पढ़िए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिए। अगर बात करें यहां पर कुछ चार्ट पैटर्न की तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये कंपनी पिछले
सितंबर तक दो क्वार्टर से तीन क्वार्टर की बात करें, पिछले 9 महीने से एक ओके ए, नौ तो नहीं कहेंगे, 8 महीने से कह सकते हैं, 7 महीने से कह सकते हैं, एक ही दायरे में यहाँ पर ये ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। अगर इसके सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें, देखें यहाँ पर एक सपोर्ट लेते हुए ये कंपनी नज़र आई, ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पहले इसी सपोर्ट जोन में जा रही है। बट अगर बात करें अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये शेयर गिरता हुआ और नज़र आएगा। अगर गिरता हुआ नज़र आया तो ये कहाँ तक गिर सकता है, फिर ये यहाँ पर ये अपना सपोर्ट जोन यहाँ पर बना सकता है ये दोबारा। अगर बात करें यहाँ पर ओके यहाँ पर 307 रुपये तक आ सकता है। बट मुझे लगता है इसका RSI बड़ा फेवरेबल है। अगर बात करें 42 के RSI पे चल रहा है और ये शेयर अगर भागना शुरू किया तो इसका जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है जो कि हमें यहाँ पर नज़र आता है ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अच्छा खासा गेन अभी भी मुझे इस कंपनी में नज़र आ रहा है। और ये कंपनी कहाँ तक गेन दे सकती है तो अगर हम बात करें तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, लगभग 32% का गेन ओके यहाँ से यहाँ तक आपको साफ नज़र आ रहा है। तो इस कंपनी पे एक आप अगर चाहे तो दाव लगा सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद की स्टडी, मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है ओके, और बड़ा फेवरेबल उस पर RSI पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं भी इसमें और थोड़ी बहुत क्वान्टिटी लेता हुआ नज़र आऊँगा। इस सप्ते में मार्केट शायद थोड़ी बहुत और गिरे, और गिरेगी तो शायद और तेज मार्केट में ये शेयर मैं एक्यूमुलेट करूँगा। और बात करें रिजल्ट आने वाले, रिजल्ट आएंगे तो ये शेयर भागता हुआ उस टाइम जरूर 5-10% की जंप देखता हुआ नजर आएगा। बाकी अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छी खासी कंपनी है, अपने आप को धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है और छोटी कंपनी में है, थोड़ा बहुत पैसा ही लगाना है, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे और आप डेली वाइज मार्केट से रिलेटेड एजुकेट होते रहे। और आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कौन सा शेयर, ताकि मैं भी उसके ऊपर, क्योंकि सारे शेयर मैं भी नहीं देख सकता, एक बार हम देख के और अच्छा लगा तो ऑब्वियसली बात है आई विल पुट इट इन आवर चैनल, और इस तरीके से हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।